हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे टमाटर के फल का साइज़ कैसे बढ़ाएं। टमाटर की जो फसल होती है दोस्तों, यदि फल का साइज़ प्रॉपर साइज़ शेप क्वालिटी चमक नहीं आ रही है तो उसके कई रेयर और मेजर कारण हो सकते हैं। यदि टमाटर की फसल पर आप लगातार पानी यानी लगातार ड्रिप एरीगेशन सिंचाई ज़्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है पीलापन के साथ साथ भी फूल आएँ और ड्रॉप हो जाएँ। और भी कई कारण होते हैं। यदि मान लीजिए आप ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये, देखिए सॉइल के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है। हल्की भूमि के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सिंचाई और ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, काली दोमट, हैवी सॉइल के लिए थोड़ा गैप बनाकर हमको सिंचाई करनी पड़ती है। सब्जियों में, फसलों में सबसे बड़ा जो रोल है वो है सिंचाई। यदि आप जड़ों के पास जो जड़ें हैं उसके 2 इंच गहराई की यदि आप मिट्टी खोद करके लड्डू बनाएंगे, यदि लड्डू उछालने पर, हाथ पर आने पर यदि फूट रहा है तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छी सिंचाई आप कर रहे हैं, ठीक ठाक है। यदि लड्डू फूट नहीं पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप सिंचाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सिंचाई थोड़ा सा गैप बनाकर सिंचाई करें, ज़्यादा फायदे में रहेगा। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात होती है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, पोषक तत्वों की कमी। अब आप सोचिए कि हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर है, फ्रूटिंग तैयार हो रहे हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा बोरॉन की, फेरस की, पोटास की और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनमें सबसे ज़्यादा आपको पोटास की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप कैल्शियम की पूर्ति करते हैं, बोरॉन की पूर्ति करते हैं, सल्फर की पूर्ति करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा सोने में सुहागा वाली बात है। तो टमाटर की फसल पर सही समय पर सही तत्व की पूर्ति नहीं करेंगे तो यह भी एक मेन कारण होता है। तो आपको एक काम करना है कि सबसे पहले तो सॉयल एप्लीकेशंस हैं अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 4 किलोग्राम, इन दोनों को टपक सिंचाई से एक साथ दोनों को प्रयोग करना है। और उसके बाद यानी 5 दिन बाद, अब इसका इस्तेमाल कब करना है, जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो, उसके 5 दिन बाद यानी अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट मान लीजिए आपने आज चला दिया, आज से 5-6 दिन बाद आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और एनपीके 13045 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से यदि प्रयोग करेंगे तो लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फिर 5 दिन बाद फिर इसी कॉम्बिनेशन को 13045 को चलाइए और फिर उसके मतलब 5 दिन बाद 13045 की जगह आप 0050 और उसके 5 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का प्रयोग करेंगे तो फिर आपको लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट का जो डोज है वो है 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम। यदि फसल जैसी जैसी विकास करती जाती है उस हिसाब से एनपीके की क्वांटिटी आपको बढ़ानी चाहिए। फसल एकदम थोड़ा कम स्टेज पर है यानी 50-60 दिन की फसल है तो 3 किलोग्राम में भी काम चल जाएगा और बोरॉन यदि आप ड्रिप से चला रहे हैं तो 250-300 ग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। तो इस प्रकार आपको सोयल एप्लीकेशन से प्रयोग करना है और एक स्प्रे आपको लेना है। स्प्रे में आपको PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है, लिहोसिन 150 ml, चमत्कार 150 ml, प्लानफेक्स 50 ml। इन तीनों में से किसी भी एक का स्प्रे आप करते हैं तो फूल और फ्रूट्स की संख्या ज़्यादा आने वाली है। यानी कुल मिलाकर के यह आपकी उपज बढ़ाने में, टमाटर का साइज बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और सबसे अच्छी बात, फेरस सल्फेट और अमोनियम जो सल्फेट है इसका प्रयोग करने से, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा। लेकिन इन सभी के साथ साथ एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है वो है कि फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी जब फसल होती है तो इस समय आपको पोटास की पूर्ति बिल्कुल आँख बंद करके करना है। यानी आपने पोटास की कमी रखी तो समझ लीजिए जो साइज़ है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है प्रॉपर ना आए, पीलापन की समस्या बनी रहे और फसल फ्रूटिंग स्टेज पर यदि पीलापन की शिकायत है तो फिर समझ लीजिए एक हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर अगली जो हार्वेस्टिंग है आपको बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत मुश्किल वाला काम होने वाला। इसीलिए पौधे की जो ग्रीननेस है, हरियाली है, उसको बरकरार रखना है। इसके लिए जो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कौन सा वाला, जैसे अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। पौधे को जितना अच्छा हरा भरा रख पाएंगे उतनी अच्छी उपज मिलेगी।
रहेगी और बंधाई प्रॉपर करें टमाटर की। तो इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं और फल का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग यदि आप समय समय पर करेंगे तो फ़ायदा भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी आपको काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिलेगा।